लोग ऐसे प्रॉपर्टी में रहने के चार्ज करते हैं, हम तो फ्री में रह रहे हैं भाई। हमारी पूरी प्रॉपर्टी हमारी है फिलहाल में। फिलहाल में अभी हम टेंट लगा रहे हैं और अभी लगभग बज रहे 11। तो रात में ये बीच बहुत एक्सट्रीम लेवल पर भरा हुआ था और अभी तो पूरा खाली है, टोटली खाली है पूरा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोवेस पटले और आप देख रहे हैं लोवेस ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। आज उसी का वही दिन पार्ट टू गोवा में। ये बंदा अभी तक आया नहीं है, 7:30 हो गए और इसका पता कुछ भी नहीं है। ये बंदा 3 किलोमीटर कवर करने के लिए आधा से 1 घंटा ले रहा है। गोवा का पूरा जो दिन है वो पूरा वेस्ट हो गया और हमारे रहने का खाने का कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं। देखते क्या होता है, ये बंदा आता है नहीं आता है। अबे कितना वेट करवाया मेरे यार, 6 घंटे वेस्ट करवाया 6 घंटे। हाँ, तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, फाइनल हुआ है अंजना बीच जाने का, वहाँ पे स्टे करेंगे। ट्रैफिक लगा हुआ है, अरे पीछे वाला हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है बंदा, समझ नहीं रहा कि भाई ट्रैफिक लगा है फिर भी हॉर्न मार रहा है, लोगों का समझ में आएगा। फिलहाल में हम आए अभी अंजना बीच पर। यहाँ का सीन टोटली क्रेजी है, क्रेजी। और मॉर्निंग में आना था एकदम सेक्सी लगता। भाई साहब टोटली पूरा क्रेजी सीन है, क्रेजी सीन है। हर जगह पार्टीज चल रही है, सॉन्ग्स। मेरे लगता है कॉपीराइट क्लेम तो पक्का आएगा ही आएगा। आगे मेरे को जो क्रूज है वहाँ पे जाने का सीन था ब्रो, पर क्रूज पर जाने का सीन था पर ये लेट हो गया बंदा, तो क्रूज कैंसिल हो गया। कि हमें और कुछ बडीज मिल गए हमें, वो भी कैंप के लिए प्लेस देख रहे हैं। तो उनका 2 कैंप है, टेंट है, और हमारे लगभग 1 कैंप है। तो प्लेसेस देखते हैं, अगर प्लेसेस मिलती है तो टेंट साथ में लगाते हैं और एंजॉय करते हैं ब्रो। हेलो गाइस, हम अभी अंजना बीच पर, फाइनली हमें अपना मिल गया। क्या बढ़िया था गुरु, प्लेस 6x6 वहाँ पे सेटल है। और एक बडी मिला है भाई, इसने हेल्प किया है बहुत और अभी आगे भी हेल्प मांगेंगे इससे। ये है कृष्णा, हाय बोल। हाय भाई, कैसा हो? लाइक करो और शेयर कर देना, कमेंट कर देना, हाँ सब्सक्राइब कर देना। और यही है अभी, इसने हमें सजेस्ट किया कि भाई इधर आने, हम तो हॉस्टल कर रहे थे बट कृष्णा ने बोला कि आप जा सकते हो इधर और करवा सकते हो। तो यही है सीन, अगर आप अंजना बीच में आते हो तो कृष्णा से मिलो भाई, कृष्णा आपकी पूरी हेल्प करेगा आप जो चाहें। बट उससे पहले अगर आपको कृष्णा से ये लेना पड़ेगा बैंड, बैंड तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप अंजना बीच पर आते हो तो कृष्णा से मिलो, कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेगा पूरी। सही है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद कैंप लगाने के बाद। फिलहाल में अभी हम टेंट लगा रहे हैं और अभी लगभग बज रहे हैं 11। तो अभी और बंदे कुछ ज्वाइन करने वाले हैं हमें, लहरें भी बहुत तेज़ हो गए हैं और पानी बहुत आने वाला है, तो कैंप लगा रहे हैं। अभी हम अपने टेंट पर सो गए पूरा और समुद्र के पास में और पानी बहुत पास पास आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि टेंट में घुस जाएगा। और कल सुबह सुबह उठने के बाद बडीज भी आए तो वो भी नेक्स्ट लेवल, अब थोड़ा डर नहीं लग रहा है, तो मेरे को पहले लग रहा था कि मैं अकेला कैसे कर लूँगा, पर हो गया सब, इतना हो जाता है। अब सोते मिलते सुबह डायरेक्ट बाहर, रखना वहाँ पर कुछ नहीं रात
अच्छा अंदर कुछ गिला नहीं हुआ ब्रो, रात में एक बड़ा सा कांड हो गया। लहरें इतने तेज हो गई थी कि हमारे टेंट के अंदर पूरा पानी घुस गया था। हमें ऊपर कपटी थी, उस पर टेंट लगा के सोना पड़ा और उसके बाद ठंड एकदम नेक्स्ट लेवल पर। रात में ये बीच बहुत एक्सट्रीम लेवल पर भरा हुआ था और अभी तो पूरा खाली है, टोटली खाली है पूरा। रात में पूरी वाट लग गई है भाई, पानी पूरा टेंट के अंदर पूरा एक्सट्रीम लेवल पर। शॉर्ट्स वगैरह देखो आप। जिस प्रॉपर्टी में रुके थे हम रात में, वो जिस ऊपर साइड में वो पूरी बंद है, बट वहाँ पर अच्छा वाट देखिए पानी वगैरह आ रहा है और बस पूरी प्रॉपर्टी अपनी ही है अभी तक फिलहाल में। कहीं भी किधर भी जा सकता हूँ घूमने के लिए, मचे बस। अभी यहाँ बैठ के हम मस्त भी कर सकते हैं प्रॉपर साथ। लोग ऐसे प्रॉपर्टी में रहने के चार्ज करते हैं, हम तो फ्री में रह रहे हैं भाई। हमारी पूरी प्रॉपर्टी हमारी है फिलहाल, हम कहीं भी घूम सकते हैं, पूरा बंद है प्रॉपर्टी। रूम नंबर 03, रूम नंबर 02 अपना ही है पूरा। कितने मज़े है, ऐसा कहीं मज़ा मिल सकता है। फोटोशूट वगैरह कर लेंगे। और यही है, रात में पूरा पानी आ गया था और पानी आने की वजह से पूरा वाट लग गई। तो यहाँ से ना बता, यहाँ से पानी आ गया था, मुझे पूरा पानी आ गया था यहाँ पे। और रात के 3 बजे एकदम हाई टाइड्स थी, तो लगन तक इतना हाई टाइड्स रहती है करके, बहुत हाई टाइड्स थी करके पूरा पानी टेंट के अंदर घुस गया था। तो अभी अंजना बीच को बाय बाय करने का टाइम हो गया क्योंकि अभी जाना है फटाफट। या आ सकते हो तो कैंपेनिंग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप किसी होटल में आने, होटल के साइड में लगा देते, एक बार पूछ लिया करो सिक्योरिटी के लिए कि भाई लगा सकते करके। और ये अंजना बीच में लगभग 12 के बाद पब्लिक बहुत कम हो जाती है, बट रहती है पब्लिक थोड़ी थोड़ी, इससे रहती है पार्टी से रहती है, तो वही सीन है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर टेंट वगैरह लगाने का कोई। अभी तो और ब्यूटीफुल लग रहा है और थोड़ा रुकने का मन कर रहा है, पर नहीं अभी निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन अपना है बागा बीच और उसके बाद नहीं तो फिर पंजी, बागा बीच करके पंजी जाएंगे। तो भाइयों के मज़े, मुझे रात में तो उन्हें तंग कर दिया था इन्होंने। यही है बंदे भूख भूख के भूखने वाले होता हूँ, इधर उस इधर सोने वाले थे, बट इन बंदों ने हमें भगा दिया वहाँ से कि भाई तुम हमारे टेरिटरी में नहीं आ सकते, निकल जाओ यहीं से। तो हम चुपचाप से निकल गए। नहीं तो हम उधर में होते, उस साइड में, उस कोने में, इन भाइयों की वजह से। और अभी तो एंजॉय कर रहे, रात भर जाग रहे थे और अभी हमको भगाने के बाद अभी एंजॉय कर रहे। सही है, सुबह सुबह चाय पीने का। आपका नाम? गणेश। गणेश कहाँ, यही की हो गए? इधर ही रहते। हाँ, कहाँ से आप? मैं नागपुर से। नागपुर से तो का फाइन है। पता नहीं था, ये मत बोलो, वहाँ पे बोर्ड लगाए हुए हैं।